ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये स्पेशल उन अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 5-6 जिनका नाम अभी आपको बताने वाला हूँ, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट पे, स्पेशल फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि उनकी मुझे एक बार नहीं, 2-3 बार उनकी मुझे व्हाट्सएप पे, जो मैंने अपना ग्रुप बना रखा है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जहाँ जो जो अलग अलग जगह के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे इसके लिए बोला, कई बार 4-5 बार बोला कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ और हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो है केरला के मिस्टर सैफी जी, जिन्होंने इसकी मुझे रिक्वायरमेंट करी है। दूसरा है पंजाब के जस्सी भाई, जिन्होंने मुझे इसकी रिक्वायरमेंट करी है। तीसरा है एमपी के एक हमारे अहमद भाई है, उन्होंने मुझे उसकी रिक्वायरमेंट करी है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और एक चौथे हैं जो कि दिल्ली से हैं, शुभम जी, जिन्होंने मुझे बोला है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। ऐसे भी और भी लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये रिक्वायरमेंट करी है, और या फिर जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, ग्रुप पे जो मुझसे कनेक्टेड है, जो रेगुलर बेसिस पे मेरी वीडियो देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे बोला है। जो कि हम हर रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें ये दिक्कत आई है और हमने ये चीज़ ऐसे सॉल्व करी, हमें ये प्रॉब्लम आई है, हमने ये चीज़ ऐसे। अब आप मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिकल का काम हो आपका, या इलेक्ट्रिकल का काम हो, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी आपका काम हो, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेक्शन में जाके अपना नेम विद मोबाइल नंबर विद एड्रेस आप हमें कमेंट करें, वहाँ से मैं आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। वहाँ पे आपके साथ जो भी कोई दिक्कत हो, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट होके, हमसे कोई भी दिक्कत या कुछ भी ग्रुप में देख रहे हैं, गुफरान ऑटो केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, आप मुझे व्हाट्सएप में, अगर मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ें, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं, मेरे ख्याल से तो सभी लोग चलाते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो करें, हम वहाँ भी आपसे बात कर लेंगे। एक इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें होती है, हम यहाँ पे डीजल इंजन का पार्ट कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पेट्रोल इंजन का पार्ट कवर करेंगे, तो अभी हम डीजल इंजन की बात कर लेते हैं। आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट, कोई फ्यूज़ तो ब्लास्ट नहीं हो गया, कोई फ्यूज़ बीच में कट ऑफ तो नहीं हो गया, या कोई फ्यूज़ लूज तो नहीं हो गया। दूसरी चीज़, आपकी रिले हैं, जितने भी 2-3 रिले रहती हैं, मेन रिले हो गए या 1-2 रिले हो रहती हैं, उन वो रिले चेक करें, रिले ओके है या नहीं, ये भी रिले को इंटरचेंज करके देखें, रिले की बराबर प्रॉपर सप्लाई चेक करें कि सब आ रही है या नहीं। थर्ड वन इज दैट कि आप क्रैंक सेंसर चेक करें, क्रैंक सेंसर ओके है या नहीं, क्रैंक सेंसर की सप्लाई चेक करें, प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं, कितने वोल्टेज किसमें आनी चाहिए, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ। अगर आपको भी ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फोर्थ वन, कैम सेंसर भी ओके है या नहीं, उसकी वायरिंग चेक करें, वायरिंग कैसे चेक करें, सेंसर से लेके ईसीएम तक की वायरिंग चेक करें, क्रैंक सेंसर की भी, कैम सेंसर की भी, और उनकी दोनों की सप्लाई चेक करें कि इंजन की जो आइडियल स्पीड है कितनी होनी चाहिए। हम अभी 4-स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, तो इंजन की जो आइडियल स्पीड है वो 600 से लेके 1000 RPM में रहनी चाहिए इंजन की आइडियल स्पीड। दूसरी चीज़, अगर हम हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की बात करें, ट्रक की बात करें, उनकी भी लगभग 600 RPM से 1000 RPM तक होनी चाहिए। अगर हम बाइक्स की बात करें, बाइक्स में 1200 से लेके 1500 तक RPM स्पीड होनी चाहिए, अगर इतनी है, या फिर 1000 भी हो सकती है, तो 1000 भी चल जाती है। प्रेशर होना चाहिए रेल का इंजेक्टर पे जाने के लिए। और सबसे पहले तो आप, अगर हम फ्यूल लाइन की पूरी बात करें, तो आप जो फ्यूल टैंक रहता है, फ्यूल टैंक की मोटर चेक करें और काम कर रही है कि कर रही है, तो आप फिर उसके बाद जाएं रेल पे। रेल पे जाने के बाद, सॉरी, प्रेशर पंप पे, हाई प्रेशर पंप पे जाएं आप। हाई प्रेशर पंप पे आप चेक करें कितने प्रेशर दे रही है, अगर आपके पास स्कैनर है, अगर नहीं है तो मैं तो कहता हूँ स्कैनर आप खरीद लीजिए, कोई भी सस्ता सा खरीद लीजिए,
उसमें आप डाटा एनालिसिस चेक कर सकते हैं, वो जरूरी है। स्कैनर के बिना आप रियल प्रेशर ऐसे मेजर नहीं कर सकते। हाई प्रेशर पंप में 1800 से लेके 1800 टू 2000 बार इसका आपका प्रेशर आना चाहिए। कूलेंट टेम्परेचर की अगर कभी कभी ऐसा होता है, इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी हीट करती है, कूलेंट सही से फ्लो नहीं कर पाता या फैन सही से राउंड नहीं ले पाता अपने जितनी उसकी स्पीड होती है, क्रिटिकल स्पीड जिसको हम बोलते हैं, 97 डिग्री सेल्सियस तक आपका कूलेंट टेम्परेचर जाता है, उसके बाद डाउन होके कूलिंग होके फिर दोबारा से इंजन में रोटेट होता है। ये इसकी एक साइकिल चलती रहती है। इट्स डिपेंड ऑन आरपीएम, रेट पर मिनट के हिसाब से, जितनी आपकी गाड़ी की स्पीड होगी जितनी पर आर के हिसाब से यह चलते हैं। टेम्परेचर में एम्बियंट टेम्परेचर की बात करते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर जो फ्यूल का रहता है -7 डिग्री से लेकर -25 डिग्री तक रहना चाहिए डीजल का टेम्परेचर, तभी आपकी जो प्रॉपर कंबशन हो सकती है, प्रॉपर ब्लास्टिंग हो सकती है इंजन के अंदर। टैंक्स, फ्यूल टैंक से लेके आपकी जो फ्यूल लाइन आ रही है, हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप से रेल, कॉमन रेल में, कॉमन रेल से इंजेक्टर में, ये आपकी फ्यूल लाइन ऐसे चलती है। तो अगर फ्यूल की भी कोई दिक्कत है तो आप वहाँ से लेके, बेसिक से लेके वहाँ तक चेक कर सकते हैं। अगर हम इंजेक्टर के पैरामीटर की बात करते हैं, दो केमिकल बनते हैं, नॉक्स और पीएम, NOx नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा पीएम पर्टिकुलेट मैटर्स। अब अगर हम इन दो टॉपिक के बारे में बात करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो कवर कर लेंगे। वो 400 से लेके 1000 बार तक जाता है, वहाँ से वो इंजेक्टर अपने हिसाब से फिर स्प्रे कर उसको 15 डिग्री सेल्सियस में उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, उसके बाद स्प्रे होता है। स्प्रे होने के बाद जो फ्यूल का जो टेम्परेचर हो जाता है कन्वर्ट करने के बाद वो 12 डिग्री रह जाता है। तो 12 डिग्री होने के बाद फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है। इंजन का कंप्रेशन वीक है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सेकंड थिंग, ईसीएम में कोई दिक्कत है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। थर्ड वन इज दैट कि अगर वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फोर्थ वन इज दैट अगर आपकी गाड़ी इमोबिलाइजर वाली है तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं होगी, अगर इमोबिलाइजर की प्रॉब्लम होगी तो। इन्हीं चीज़ों की भी प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ी में और आती भी हैं। तो आप ये 4-5 चीज़ें देखिए और उसके हिसाब से आप गाड़ी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही रहता हूँ, जो अपना व्हाट्सएप, अपने यूट्यूब कमेंट सेक्शन चेक करते रहता हूँ, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो या कुछ बताना भी हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही आपको बताता हूँ, आप भी मुझे कुछ बता सकते हैं और बताते भी हैं बहुत लोग मुझे नई नई फील्ड में, नई नई चीज़ें पता भी चल गया इस फील्ड में, नए नए लोगों से बातें करते हो। तो वीडियो यहीं तक था।